पटना एयरपोर्ट द्वारा नया समर शेड्यूल जारी किया गया है। बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, चंडीगढ़, लखनऊ, रांची, अमृतसर और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों में जाना अब और भी आसान होगा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना से अब रोज 98 विमान उड़ान भरेंगे। पहले विंटर शेड्यूल में पटना एयरपोर्ट से 80 विमानों का परिचालन होता था। नई सुविधा से पटना से देश के प्रमुख शहरों तक फ्लाइट से जाना आसान हो जाएगा। जहां विंटर शेड्यूल में पटना एयरपोर्ट से 80 विमानों का ही परिचालन किया जा रहा था, वहीं नए शेड्यूल में 98 विमानों का परिचालन होने लगेगा। बाद में पटना एयरपोर्ट से जाने वाली भीड़ को देखते हुए 7 से 8 जोड़ी अतिरिक्त विमानों का परिचालन भी शुरू किया जा सकता है। निजी विमान कंपनियों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 22 विमान इंडिगो की ओर से चलाए जाएंगे और पटना दिल्ली के लिए और दिल्ली से पटना आने के लिए 21 विमान उड़ान भरेंगे। नए शेड्यूल में इंडिगो की 22 फ्लाइट, स्पाइस जेट के 8 फ्लाइट, गोएयर के 12 फ्लाइट, एयर इंडिया के 6 फ्लाइट और विस्तारा की 1 फ्लाइट को रखा गया है। नए शेड्यूल में हैदराबाद पटना हैदराबाद के लिए इंडिगो की ओर से नई फ्लाइट 6E763772 इसी महीने के 16 तारीख से चलाने की घोषणा की गई है। इंडिगो की चंडीगढ़ से बागडोगरा वाया पटना की फ्लाइट नंबर 6E6148 गुरुवार से ही शुरू कर दी जाएगी। इंडिगो की ओर से ही नई दिल्ली पटना नई दिल्ली पुरानी फ्लाइट 6E494-6367 को 16 फरवरी से शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। पटना से बागडोगरा, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, चंडीगढ़, लखनऊ, रांची, अमृतसर और अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध करा दी गई है। ऐसे में पटना से देश के प्रमुख शहरों की यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा। तो पटना एयरपोर्ट द्वारा जारी किए गए इस नए समर शेड्यूल में 18 नए विमान जोड़े गए हैं। यानी कि जब विंटर शेड्यूल जारी किया गया था तब 80 विमानों का परिचालन होता था और इस बार 98 विमान पटना एयरपोर्ट से देश के अलग अलग शहरों में यानी कि प्रमुख शहरों में उड़ान भरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटीज़।